नमस्कार मित्रों, शिक्षा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो हम आज लेके आए हैं कि पीटीटी एमडीएसयू 2018 संबंधित कुछ क्वेश्चन। आप कई दिनों से कर रहे हो इस क्वेश्चन को कि सर थर्ड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, या आपको आपके इतने ज़्यादा नंबर है तो भी आपको कॉलेज नहीं मिला। तो इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में हमारी टीम के मेंबर से मिलेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन दबा लेना, और आपके मन में जो भी क्वेश्चन है वो हमें कमेंट में बताएं, उसका हम तुरंत प्रभाव से उसका हम रिप्लाई देंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में और इस वीडियो को पूरा देखें। सेकेंड काउंसलिंग भी पूरी हो चुकी है। अब कुछ विद्यार्थियों की संशय है, परेशानी है कि उन्हें सेकेंड काउंसलिंग में भी सीटें नहीं मिली, यानी किसी भी प्रकार की कोई कॉलेज नहीं मिली। उन्हें बहुत ज़्यादा कॉलेज के विकल्प भरने के बाद या ऑल राजस्थान का जो ऑप्शन था वो यस करने के बाद भी कॉलेज नहीं मिली। इसके बहुत से कारण हैं जिनके बारे में आज मैं बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए मित्रों। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। देखिए मित्रों, कुछ विद्यार्थियों के प्रश्न है कि सर हमें थर्ड यानी सेकंड काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिली जबकि हमारे जो नंबर थे वो 300 से। ये साइंस वालों के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैंने एक वीडियो बनाया अभी था पहले कि मेरे एक मित्र के 380 के आसपास नंबर है, 383, लेकिन फिर भी उसको कॉलेज नहीं मिली और उसको वाकई में सेकेंड काउंसलिंग में भी कॉलेज नहीं मिली। उसके लिए मैंने उसकी 30 कॉलेज भरवाई थी और 5 जिलों की, यानी ऑल राजस्थान वो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी देखिए 383 नंबर में भी उसको कॉलेज नहीं मिली। तो इसका कुछ कारण है, मैं बताऊंगा। विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि इसका कारण क्या है। तो देखिए मित्रों, इस बार जो एक बहुत असाधारण घटना घटित हुई थी कि मतलब यानी पूरे साल भर से चलती आ रही थी कि इस बार बीएड बंद हो जाएगा, इस बार बीएड बंद हो जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बीएससी बीएड और बीए बीएड के जो कोर्स चल रहे थे उनके कारण लोगों को लगा कि बीएड बंद हो जाएगा। जिनको बीएड नहीं करनी थी वो भी बीएड कर लिए इस साल और उनके नंबर आए और उनका पहले सेलेक्ट हो गए। और जिन विद्यार्थियों को बीएड करनी थी वाकई में और वो रह गए कुछ कारणों से, क्योंकि बीएससी बीए के जो एग्जाम भी होते हैं या फिर किन्हीं कारणों से वो पढ़ नहीं पाए जिसके कारण उनका नंबर नहीं आ पाया। अब देखिए मित्रों, कुछ विद्यार्थियों के सवाल हैं कि सर हमारे जो नंबर हैं वो 300 के आसपास हैं, हमने ऑल राजस्थान का विकल्प भरा था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए इस बार ऐसा ही हुआ था कि मतलब जो आपकी सीटें थी जिनको बीएड नहीं करनी थी उन्होंने पहले ही रोक ली है। जैसे कि कोई 4-5 साल पहले का बंदा था और ना समझे में उसने अब तक तो बीएड की नहीं, और इस बार यानी थोड़ा बेवकूफ़ भरा फैसला लिया, या मान लीजिए उसको बिल्कुल जरूरी थी कि मेरे को तो बीएड करनी है, तो उसने इस बार फॉर्म अप्लाई किया और थोड़ा सा उसे अंदाज था कि शायद बीएड बंद हो जाए। हालांकि ऐसा कुछ होगा नहीं क्योंकि ये इंटीग्रेटेड कोर्स चले हैं, ना कि बीएड बंद होगी, ठीक है। और ये मैं कई बार कह चुका हूँ कि बीएड बंद नहीं होगी, ये इंटीग्रेटेड कोर्स चल रहे हैं, बीएससी बीएड और बीए बीएड, और इसका मकसद ये है कि एक साल कम करना और बीएड को प्रोफेशनल कोर्स बनाना। तो मित्रों ये हो गया। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि थर्ड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। तो मित्रों इसका जवाब है कि अब तक जितने भी यानी बाकी जो पिछले वर्ष थे, इस बार जो बीएड के सारे जो प्रोसीजर है वो सबसे अलग भी हुए हैं, क्योंकि पिछले बार तक ऐसा मतलब ये जो पूरा इस बार जो बीएड है पूरी डिटेल से हुई है कि इस टाइम ये होगी, इस टाइम ये होगी। पहले तो पता ही नहीं चलता था कब कौन सी काउंसलिंग चलेगी, कब कौन सी यानी फर्स्ट काउंसलिंग के बारे में पता चलता था, सेकंड थर्ड के बारे में पता नहीं चलता था, यानी कई दिन लग जाते थे, इंतजार करते रहते। इस बार दोनों काउंसलिंग फटाफट हो गई। अब देखिए मित्रों, जो थर्ड काउंसलिंग है ये पिछले बार हुई थी, उससे पिछले बार हुई थी और लगभग यानी पहले तो सीटें बहुत ज़्यादा खाली रहती थी, इसलिए यानी थर्ड के आसपास तक भी काउंसलिंग होती थी। देखिए मित्रों, लगभग जो बीएड के अंदर है अंदाजन अनुमानित है यानी 135,000 के आसपास सीट है यानी पर ईयर की। अब इसमें से कितनी भरी अभी इसकी कोई डिटेल नहीं है। फर्स्ट काउंसलिंग में 90,000 के आसपास भर चुकी थी, सेकेंड काउंसलिंग अभी पता नहीं है। तो मित्रों थर्ड काउंसलिंग होनी चाहिए, जहाँ तक संभव है थर्ड काउंसलिंग हमेशा होती है और इस बार भी होगी। लेकिन अब जिन विद्यार्थियों को कॉलेज नहीं मिली है वो कोशिश करें कि यानी कॉलेज अगर आपको बीएड करनी है तो ऑल राजस्थान का जो विकल्प है
और राजस्थान का जो ऑप्शन है उसको आप मित्रों यस करें, नहीं तो फिर आपको बीएड, आपकी बीएड नहीं होगी। तो मित्रों अगर आपको बहुत जरूरी है कि हमें बीएड करनी है तो ऑल राजस्थान का ऑप्शन यस कर लीजिए और बहुत सारे कॉलेज भर दीजिए, तब आप बीएड करने के लायक रहेंगे। और देखिए अगर जिन विद्यार्थियों को कॉलेज नहीं भी मिल पाता है, जिन्होंने एमएससी भी कर लिया, एमए भी कर लिया, तो मित्रों आप फिर कंपटीशन की तैयारी करें या फिर अपनी जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उसको बढ़ाते रहे। किसी अन्य प्रकार की डिप्लोमा या डिग्री, जैसे मैं बता दूं कुछ विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर अब हम क्या करेंगे, हमने तो एमएससी एमए भी कर लिया। तो मैं उनसे एक सलाह देना चाहता हूं कि अगर वो बैठे नहीं रहना चाहते हैं तो जो कोटा यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी, यानी ओपन यूनिवर्सिटी से या फिर नॉन कॉलेज आप कोई दूसरी डिग्री कर लें इस साल, यानी कोई डिप्लोमा कर लें एक साल में, या फिर यानी अपनी जो एजुकेशन है उसको बढ़ाते रहें। तो मित्रों ये हो गए आज की अपनी थर्ड काउंसलिंग के बारे में सूचना। अगर किसी प्रकार का कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।